हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है जनरल इंजीनियरिंग और बीएमसीई का, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंक्रीट, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें वो है फिजिकल या फील्ड टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो देखिए, फील्ड टेस्ट ऑफ कंक्रीट आर डन इन फील्ड और एट एक्चुअल साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी जो फील्ड टेस्ट होते हैं कंक्रीट के, वो आपके जो एक्चुअल साइट होती है जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, वहीं पर ये टेस्ट किए जाते हैं। और जो आपकी फ्रेशली कंक्रीट होती है, जो ताज़ा बनी हुई कंक्रीट होती है, उसकी क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो देखिए, जो आपके फील्ड टेस्ट होते हैं उनमें आपका पहला टेस्ट होता है सिलंप टेस्ट, ठीक है। तो सिलंप टेस्ट हम किस लिए करते हैं? देखिए, इट इज़ अ कॉमन फील्ड टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर एवरी बैच ऑफ कॉन्क्रीट। यानी कॉन्क्रीट के जो बैच बनते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट का बैच मतलब क्या होता है कि एक बार में जितनी कॉन्क्रीट बन रही होती है वो बैच कहलाता है, ठीक। तो बैच ऑफ कंक्रीट टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है, जो सुकार्यता होती है, उसे चेक करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो आपका कहलाता है सिलंप टेस्ट, ठीक है। और देखिए, सिलंप क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड कॉन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्क्रीट इज कॉल्ड सिलंप। देखिए, जो आपकी फ्रेशली कॉन्क्रीट होती है उसका अगर हम एक कॉन बना दें, ठीक है, एक शंकु बना दें, तो उस शंकु का जो वर्टिकल सेटलमेंट होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है आपका? सिलंप कहलाता है। क्लियर? जैसा कि देखिए आपका डायग्राम में दिखाया गया है, जो हम सिलम टेस्ट करते हैं उसके लिए जो एपरेटस होता है वो कुछ इस साइज़ में होता है। देखिए, उसका बॉटम जो डायमीटर होता है वो आपका 20 सेंटीमीटर होता है, और जो उसका अपर डायमीटर होता है वो आपका क्या होता है? वो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और इसकी हाइट की अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। देखिए, आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछ सकता है कि बॉटम डायमीटर ऑफ सिलम टेस्ट कितना होता है आपका, तो वो 20 होता है ये, और टॉप वाला पूछे तो 10, और आपका हाइट पूछे तो 30, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए, जो सिलंप होता है आपका, हमने क्या है कंक्रीट इसमें फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में उसका जो सेटलमेंट होगा, वर्टिकल सेटलमेंट, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी दो ये जो होगी आपकी सेटलमेंट जो होगा, ये क्या कहलाएगा आपका? सिलंप कहलाता है, ठीक है। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होंगे आपको? तो सिलंप कौन चाहिए होगा, जो आपका ये दे रखा है, ठीक है। इसका बॉटम डायमीटर 20, टॉप डायमीटर आपका 10, और हाइट कितनी रहेगी आपकी? 30 सेंटीमीटर दे रहेगी। और बाकी क्या क्या चाहिए होंगे आपका? वेइंग बैलेंस चाहिए होगा, ठीक है, एक जो तुला होती है वो चाहिए होगी, एक ट्रे चाहिए होगी, और एक स्टैंडर्ड टैंपिंग रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड टैंपिंग रोड क्या होती है? देखिए, कुछ इस शेप की होती है आपकी, एक स्टील की बनी होती है, लेकिन जैसे आपका ये पहने इस तरह की होती है, और ये किस काम में आती है? ये आपकी जो भी कंक्रीट होती है उसे टैंपिंग करने के लिए के काम में आती है, ठीक है। और आपका क्या होता है? एक कंक्रीट मिक्सचर होता है, जो जिसमें हम कंक्रीट जो है मिक्स करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका मटेरियल क्या चाहिए होंगे आपको? तो मटेरियल सीमेंट चाहिए होगा, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि कंक्रीट के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो यही होते हैं, फाइन कोर्स सीमेंट होता है आपका, फाइन एग्रीगेट होता है, और कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इन सबको मिलाने के बाद में जो आपका मिक्सचर बनता है वो क्या कहलाता है आपका? कंक्रीट कहलाता है, ठीक है। और इसमें हम कंक्रीट के लिए जो हम ग्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए हमने कितने ले रहे हैं? 1:1.5:3, ठीक है। हम ये ग्रेड ले रहे हैं, मतलब M20 ग्रेड हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक। और वाटर सीमेंट रेशियो जो ले रहे हैं हम 0.4, 0.5 और 0.6, इन तीनों का अलग अलग वाटर कंटेंट पर जो है हम ये ले रहे हैं, ठीक है। अब सॉरी, अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो पर, ठीक ठीक है। चलिए, यार देखते हैं प्रोसीजर क्या करना होता है हमें, ठीक है। पहला है आपका, टेक मिक्स प्रोपोर्शन 1:1.5:3 बाई वेट। इसमें क्या ले रहे हैं हम? वेट में ले रहे हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल लेंगे हम इसमें उसका उनका हम तोल कर लेंगे, ठीक है, उनका वेट करेंगे पहले, ठीक। यूज़ 3 डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियो, पहला रेशियो हम ये वाला लेंगे, ठीक है, उसके बाद में वाटर सीमेंट रेशियो ये वाला लेंगे, उसके बाद में वाटर सीमेंट रेशियो आपका अलग अलग, 3 अलग अलग हम वाटर सीमेंट रेशियो पे जो है ये मिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका, क्लीन दी इंटरनल डायमीटर इंटरनल सरफेस ऑफ मोल्ड। जो भी आपका मोल्ड है, यानी जो हमारा मोल्ड होगा ये वाला जो आपका दे रखा है ये, ठीक है, ये वाला जो मोल्ड है आपका, ठीक है। क्लीन दी इंटरनल सरफेस ऑफ मोल्ड एंड अप्लाई सम ऑयल। और क्या करेंगे हम उसमें? सम कुछ ऑयल लगा देंगे, ठीक है। ऑयल क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो आपकी कंक्रीट फिल करेंगे हम उसमें, तो वो कंक्रीट उस पर जो है चिपके नहीं, ठीक है, एडर नहीं हो उस पर, इसलिए हम क्या करेंगे? कोई ना कोई ऑयल उस पर लगा देंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका, प्लेस द मोल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट। अब क्या करेंगे? जो आपके कोन है ये, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? एक मेटल प्लेट पे रख देंगे,
ठीक। उसके बाद में क्या है आपका, फिल दी मोल्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इन 3 लेयर्स। अब क्या करना है हमें, देखिए जो भी आपने कंक्रीट बनाई है उस कंक्रीट को क्या करेंगे हम, फिल करेंगे 3 लेयर्स में। जो आपका मोल्ड है, ये एक कोन है आपका, शंकु है, इसमें हम 3 लेयर्स में क्या करेंगे, इसे फिल करेंगे, ठीक है। एंड कम्पैक्ट इच लेयर बाई टैम्पिंग विद 25 स्ट्रोक्स। देखिए हमने क्या करा, पहले एक लेयर भर ली और उस एक लेयर को फिल करने के बाद में क्या करेंगे हम, जो आपकी रॉड होती है इससे हम टैम्पिंग करेंगे, जिस तरह से 25 टाइम्स टैम्पिंग करेंगे, ठीक है। जितना सेटल होना होगा वो इससे हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेयर भरेंगे, फिर से क्या करेंगे 25 टाइम्स स्ट्रोक लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर से हम इसे कॉम्पैक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे तीसरी लेयर भरेंगे और उसमें भी हम क्या करेंगे इसी तरह से आपका जो है कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, टैम्पिंग रोड से, ठीक। स्ट्रक ऑफ द एक्सेस कंक्रीट फ्रॉम टॉप, उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी आपकी टॉप की जो एक्सेस जो एक्स्ट्रा कंक्रीट होगी उसे हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, केयरफुली लिफ्ट द मोल्ड वर्टिकली। अब जो आपका मोल्ड है उसे क्या करेंगे, केयरफुली लिफ्ट करेंगे यानी उठा लेंगे, ठीक है, अपवार्ड ऊपर की तरफ, सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द कंक्रीट कोन। और जो कंक्रीट का जो कोन है, ठीक है, जो हमने कंक्रीट फ्लोर का कोन बनाया है वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसा है वो वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिटरमाइन द लेवल डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड द हाइट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द सबसाइडेड कॉन्क्रीट। अब क्या करना है हमें, जो भी आपकी मोल्ड जो आपका मोल्ड है, ठीक है, उसकी हाइट जो होती है वो, और जो आपकी आपका जो कोन बना है कॉन्क्रीट का, ठीक है, जो आपने कॉन्क्रीट फ्लोर का जो कोन बनाया है उस कोन के बीच की जो हाइट है उसका डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस लेंगे आपका वही क्या होगा, आपकी कंक्रीट का जो है स्लंप वैली होगी, ठीक है। अब देखिए स्लंप वैली जितनी ज़्यादा होगी उसकी वर्केबिलिटी इतनी ही ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना है। जितनी ज़्यादा कंक्रीट की स्लंप वैली होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी होगी, और उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगा आपका वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उतनी ही कम होगी। एंड जैसे जैसे आपकी वर्केबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक। यानी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके जो है वर्केबिलिटी से, ठीक है। तो नॉर्मली जो कंक्रीट की जो हम वर्केबिलिटी लेते हैं वो आपके 25 mm से आपका कितना लेते हैं, 100 mm, ठीक है, ये वैल्यू रहती है आपकी नॉर्मली जो आपके कंक्रीट की होती है, ठीक। तो देखिए ये था आपका आपका कंक्रीट का टेस्ट था ये आपका एक, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया स्लम्प टेस्ट था, और ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट आप तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।